हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सपना। वेलकम टू माय चैनल समथिंग न्यू विद सपना। माफ़ी चाहती हूँ कि इस बार मेरा वीडियो थोड़ा लेट हो गया है। एक्चुअली मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्सप्लोर कर रही थी कि ताकि मैं आप लोगों से और भी ज़्यादा कनेक्टेड हो सकूँ। तो अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें और मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। और यदि आपने मुझे फॉलो कर लिया है तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हर्शीज के कोको पाउडर का डब्बा है जो कि अब खाली हो गया है। और जैसे कि आप देखिए कि ये पूरी तरह से प्लास्टिक का है, ये कहीं भी किसी तरह से इसमें टिन का यूज़ नहीं किया गया है। इसका चाहे कैप हो या इसका पूरा बॉडी हो, ये सभी प्लास्टिक से ही बना हुआ है। तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना इसका रीयूज़ किया जाए, और ये काफ़ी सेफ भी रहेगा अगर मैं इसका यूज़ अपनी बेटी के लिए कुछ सामान रखने के लिए करती हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये मेरी बेटी के कुछ इलास्टिक हेड हेयर बैंड्स हैं जो कि वो काफ़ी छोटी थी तब उसके लिए मैं यूज़ करती थी, बट अभी ये उसके लिए यूज़ नहीं है। इनको तो अब वो पहनती भी नहीं है, और शी नाउ ओल्ड इनफ कि वो अभी दूसरे तरह के हेडबैंड यूज़ करती है, तो ये अभी कुछ भी यूज़ नहीं है। तो इनका ही आज हम यूज़ करने वाले हैं अपने न्यू क्राफ्ट में। मैं यहाँ पर ग्लूगन का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो ग्लूगन स्किप भी कर सकते हैं, आप ऐसे ही इनको लगा सकते हैं। क्योंकि इनमें इलास्टिक है तो ये इजीली आराम से इस बॉक्स में फिट हो जाएगा। Thank you.
यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और इजी क्राफ्ट आइडियाज़ लाने का। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। बाय।